हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज हमने एज एक्सपेक्टेड निफ्टी का जो टारगेट था हमारा 15,950 का, वो अचीव कर लिया। हमने आज लगभग लो देखा था 15,700 तक, और यहाँ जो है तो क्लोजिंग लगभग 15,900 के अराउंड की है, लगभग 370 पॉइंट नीचे, लगभग 2.25% डाउन। तो एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसे कहा था आपको कि निफ्टी जो है तो 15,900 की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ देखना है, क्योंकि 15,900 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है एज पर वीकली चार्ट। अगर ये टूट जाता है तो हम मार्केट में फिर से फ्री फॉल देखेंगे, और मार्केट जो है तो 15,350 और उसके भी नीचे 14,800 तक जा सकता है अगर ये लेवल टूट जाता है तो। और यहाँ जो है तो पैनिक और अभी जो है तो सेट इन हो चुका है मार्केट में, और उसके वजह से हम हेवी सेलिंग भी देख सकते हैं और पैनिक सेलिंग भी देख सकते हैं, और हो सकता है कि मार्केट में मार्जिन कॉल भी ट्रिगर हो जाए। तो इसके वजह से नीचे के लेवल जो है तो आ सकते हैं। तो यहाँ आपको देखना है कि 15,700 का लेवल, अगर उसके नीचे जाते हैं तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट टारगेट 15,350, उसके बाद में 15,050, और उसके बाद में लास्ट टारगेट रहेगा 14,800। ये फिलहाल के लिए ये तीन टारगेट पकड़ के चलिए, मगर उसके लिए ब्रेकडाउन देना पड़ेगा निफ्टी को 15,700 के नीचे। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि अभी ये जो वीक है लगभग तीसरा वीक होगा अगर हम नेगेटिव में क्लोज होते हैं तो। हमने लास्ट वीक जो है तो लगभग 2.5% का लॉस देखा था, और इस वीक में पहले ही दिन लगभग हम 2.5% के लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये वीक मार्केट के लिए बहुत ही बुरा जाने वाला है, और नीचे जो है तो जो 100 वीक का जो एवरेज है उसको टच करने के लिए मार्केट जा सकता है, जो सिचुएटेड है 15,050 के अराउंड, तो उस लेवल पे जा सकता है। और यहाँ S1 जो है तो 14,700-800 के अराउंड है, तो जैसे मैंने कहा कि 14,800 का जो टारगेट है वो भी आ सकता है। यहाँ अभी न्यूज़ फ्लो कैसे रहता है उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। वोलेटिलिटी जो है तो और ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले समय में। हम जो है तो फिर से आज 5% ऊपर गए वीक्स पे, तो मुझे लगता है कि वीक्स जो है तो लगभग 40-45 पे टॉप आउट होगा। तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कीजिए, और मार्केट जो है तो शायद अच्छे खासे नीचे के लेवल दिखा सकता है इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म। तो देखते हैं अभी डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे भी क्लियर कट सेल सिग्नल है। और यहाँ जो है तो हम अभी मोमेंटम, मैंने जैसे कहा था कि यहाँ जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे मोमेंटम बिल्डअप होते जाएगा। तो हमने जो टारगेट था 15,950 का वो टारगेट अचीव कर लिया, उसके नीचे बंद हुए हैं। तो जब तक मार्केट जो है तो 16,000 के नीचे है, तब तक आप सेल ऑन राइज व्यू रखिए, या वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी तो यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के ज़्यादा मौके मार्केट लेगा, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। तो आपको जो है तो कम लॉट से खेलना है, और अगर आपको रिस्क ही नहीं लेना है तो मार्केट से दूर रहे, या फिर जो है तो ऑप्शन के साथ भी आप प्ले कर सकते हो, मगर ऑप्शन में भी दिक्कत है क्योंकि इसके प्रीमियम बहुत ही इन्फ्लेटेड हो चुके हैं। तो यहाँ जो है तो जो छोटे ट्रेडर हैं उनके लिए सलाह रहेगी कि मार्केट को सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए, मज़ा लीजिए। एक बार मार्केट ठंडा हो गया, स्टेबल हो गया, कि उसके बाद में आप फिर से री एंटर कर सकते हो और फिर से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। यहाँ नीचे अभी जो मुझे टारगेट दिख रहा है वो है लगभग 15,350 का, और ये जो टारगेट है हो सकता है कि हमें इसी वीक में देखने को मिल जाए। तो यहाँ जब तक मार्केट 16,000 के नीचे है एज पर डेली चार्ट सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी, टारगेट रहेगा 15,350, उसके बाद में 15,050, और लास्ट टारगेट रहेगा 14,800। तीन टारगेट के लिए आप जो है तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए। अगर 16,000 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो हम जो है तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक देख सकते हैं निफ्टी में, जो 16,500 से लेकर 16,600 तक निफ्टी को लेकर जाएगा। तो यहाँ आपको 16,000 का लेवल देखना है, और जिनको सेफली खेलना है तो उनको 15,700 का ब्रेकडाउन देखना है। अगर वो ब्रेकडाउन आता है तो ही शॉट लीजिए, उस सिनेरियो में आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 100-150 पॉइंट का, और जो टारगेट बनेगा आपका वो बनेगा 15,350, उसके बाद में 15,050 का। तो ये दोनों इस पे खेल सकते हैं। जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो वो 16,000 के नीचे स्टॉप जो है तो सेल ऑन राइज व्यू रखिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 16,150 का, और जो टारगेट रहेगा वो 15,350 का पकड़ के चाहिए। तो यहाँ 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आपको जो टारगेट मिलेगा अगर आप 16,000 के अराउंड शॉर्ट जाते हो तो आपको लगभग टारगेट मिलेगा 650 पॉइंट का। तो लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है उस स्ट्रेटजी में, मगर हम अगर 16,000 के ऊपर बंद होते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली ज़रूर आएगी मार्केट में, जो 16,500 तक लेकर जाएगी मार्केट को।
तो यहाँ देखना है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि जिस तरह से अभी प्राइस पैटर्न और इंडिकेटर पैटर्न है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बाउंस बैक आने वाला है। एक तो साइडवेज हो जाएंगे हम, नहीं तो फिर जो है तो फ्रेश ब्रेकडाउन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और फिर से जो है तो शायद हमें गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो यहाँ जो भी ट्रेडर है उनके लिए सलाह रहेगी, अगर आपको मैंने जैसे कहा था कि कैरी करना है तो शॉर्ट कीजिए, लॉन्ग बिल्कुल कैरी मत कीजिए। और उसका जो है तो उसका हमने प्रॉफिट आज भी देखा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अगर हमने लगभग 16,300 के अराउंड जो बेच कर गए थे यहाँ, तो 300-400 के अराउंड उसका जो है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। और यहाँ जो है तो हमने 15,700 के अराउंड जो है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लिए। अभी जो पोजीशन है फिलहाल तो मोस्टली बेयरिश साइड की ही पोजीशन मेरी मार्केट में है, और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 15,350 का टारगेट जो है, तो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में हमें 15,350 या फिर उसके नीचे के लेवल जो है तो शायद हमें दिख जानी चाहिए। जैसे हम 15,700 तोड़ेंगे हम फिर से जो है तो फ्री फॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ मार्केट ओवरसोल्ड है मगर मोमेंटम जो है तो डाउन साइड पर ज़्यादा है, और यहाँ अगर ऊपर भी आता है तो हम फिर से शॉर्ट जाने की ही कोशिश करेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ बाउंस बैक भी देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आज भी बाउंस बैक देने की कोशिश की थी, लास्ट में उसको कैसे सेल ऑफ आया। तो यहाँ जो भी बाउंस बैक आएगा उसको सेल ऑफ कर देंगे जो बड़े इन्वेस्टर है, और जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो कंटिन्यूसली मार्केट में जो है तो हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। मुझे लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जो सही लेवल रहेगा वो रहेगा लगभग 14,000 और 13,000 के बीच में। फिलहाल के लिए तो वही टेम्परेरी लेवल लगता है मुझे, मगर सिचुएशन कैसे बिल्डअप होती है उस पर डिपेंड करेगा। अगर सही में न्यूक्लियर थ्रेट आता है वो और हो जाता है तो हमें जो है तो बहुत बुरे लेवल जो है तो मार्केट में देखने को मिल सकते हैं उस सिनेरियो में। मगर फिलहाल आपको बेरिश रहना है। जो ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए सलाह रहेगी कि आप इन द मनी पुट लेकर चलिए, कम लॉट पे ट्रेड कीजिए मगर इन द मनी पुट लेकर चलिए, आपको जो है तो उसमें अच्छे खासे गेंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन द मनी पुट जो है तो आपको फ्यूचर के जैसे ही रिटर्न देंगे। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आई होप सो कि आपने आज जो गैप डाउन ओपनिंग मिला, जिन्होंने शॉर्ट कैरी किया होगा उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिला होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको अगर मेरे साथ ट्रेड करना है तो मेरी प्रीमियम जो सर्विस है उसका डिस्क्रिप्शन और बाकी सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.